हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज 13th of सितंबर है। आज की एडमिशन अपडेट पे हम बात करेंगे। रेगुलर हम ऐसे ही वीडियो के थ्रू आपको सारी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हो जाए या फिर स्टेट काउंसलिंग हो जाए, हर काउंसलिंग के बारे में आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र काउंसिलिंग की। तो महाराष्ट्र काउंसिलिंग के रिगार्डिंग आपके पास अभी अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। उम्मीद है कि 15 तारीख से आपके काउंसिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे महाराष्ट्र के, उन सभी बच्चों को इसके लिए अप्लाई करना है, महाराष्ट्र काउंसिलिंग के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट से बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे तो 100% अप्लाई करें। जिनको अच्छे कॉलेजेस चाहिए महाराष्ट्र में, जैसे सर जे जे हो गया, रचना संसद हो गया, रिजवी, ठीक है, एलएस रहेजा जैसे कॉलेजेस अगर आपको चाहिए महाराष्ट्र में, तो आपको इसी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एसीपीसी की बात करूं तो एसीपीसी का इस बार बहुत गंदा हालत है, इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेजेस दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक जितना मेरे को दिख रहा है इस ईयर, ऑल इंडिया के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेजेस, बाकी सारे गुजरात के बच्चों को भर रखा है, पता नहीं क्या ही है। लेकिन कोई नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हमारे पास फाइनल मॉक राउंड, जो आपका फाइनल चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी 14 तारीख से, ठीक है, उसमें मे बी आपको अनदर कॉलेजेस वगैरह भी मिले। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमेड के की, तो अगर मैं कर्नाटका की काउंसलिंग की बात करूं तो इसकी रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुकी है। कल से परसों तक आपके पास मेरिट लिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह शुरू होगी कॉमेड के की। हरियाणा की काउंसलिंग स्टार्ट है, ऑन द वे है, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है जाकर के हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हरियाणा के बच्चे तो 100% करें, आउट ऑफ स्टेट के बच्चे भी अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग ऑन द वे है। ठीक है, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मतलब CCA की बात करूँ, तो CCA का जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 13th of सितंबर, मतलब आज आपका लास्ट डेट है। जिन बच्चों को चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करना है कर सकते हैं, जिनका अगर आउट ऑफ स्टेट, जिन बच्चों का रैंक 1000 से नीचे है या फिर 1200 से नीचे रैंक है, वो बच्चे अप्लाई कर ले। इवन मतलब जिनका स्टेट है, ठीक है, स्टेट के बच्चे 2000 रैंक तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेट के बच्चे जिनका 500-600 रैंक तक है वो भी जा करके अप्लाई कर ले। ठीक है, मे बी उन्हें मिल जाए, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। बाकी अगर बात करें जोसा काउंसलिंग की, तो जोसा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुकी है। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जोसा की, वो 18th of सितंबर है। जोसा पे मैंने 3 वीडियो बना करके डाल दिया है, अभी 2 टॉपिक पे और जोसा में वीडियो बच रही है। ठीक है, वो भी वीडियो मैं धीरे धीरे डाल दूंगा। एक होता है हमारे पास विड्रॉल वगैरह का ऑप्शन रहता है कि आप सीट कैसे विड्रॉल करोगे या फिर कैसे सीट एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, इस पे भी एक वीडियो आएगी, जल्दी ही मैं अवेलेबल कर दूंगा। बाकी मैंने जोसा पे किस तरीके से आपको सीक्वेंस बनाना है वो भी वीडियो बना दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। एकेटीयू की बात करूं तो एकेटीयू इस बार नाटा से काउंसलिंग ले रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 20th of सितंबर है। ठीक है, 20th of सितंबर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो जिन बच्चों के लिए, बच्चों को AKTU के लिए अप्लाई करना है वो जाकर के कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी मतलब JNFU ने, आंध्र प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अगर JNFU के लिए अप्लाई कर रखा है, तो जल्दी ही उनकी मेरिट लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के डेट्स ओवर हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं जामिया की बात करूं तो जामिया में अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जामिया के रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं गुरु नानक मतलब IPU की बात करूं, IPU की काउंसलिंग में क्या चल रहा है, तो IPU की काउंसलिंग में आज से कल तक में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ ऐसे भी बच्चे आपको लास्ट में दिखे होंगे जिनके कुछ कुछ क्वायरीज रह रहे हैं। ठीक है, तो उन सब क्वायरीज के लिए उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया गया था, 12 तारीख तक उनको सेंटर पे जाकर के, वहां पे कॉलेज में जाकर के अपना ठीक करना था, वो करके देन फिर फाइनल मेरिट लिस्ट अवेलेबल होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट अवेलेबल होते हैं। सैप यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसमें भी मेरे को जिन बच्चों का
मैंने देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एसीपीसी में रैंकिंग है वो 41 है, लेकिन जब गुजरात सेप्ट काउंसिलिंग की बात करते हैं तो उनकी रैंकिंग 157 चली जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। इसकी भी फाइनल मेरिट लिस्ट अवेलेबल है, इसमें जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे, देखो ये जो सेप्ट यूनिवर्सिटी का आपने डायरेक्ट अप्लाई कर रखा है वो आपका ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पे, ठीक है, और जो आपने वो कर रखा है, जो ACPC कर रखा है, वो गुजरात के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इसमें अप्लाई कर रखा है, डायरेक्ट अप्लाई कर रखा है, वो ऑल इंडिया रैंक के लिए, ठीक है, वो ऑल इंडिया के बच्चों को अंदर लेने के लिए, बाकी के 40 सीटें जो होती है वो रिजर्व होती है गुजरात के बच्चों के लिए, गुजरात की काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन बजा के रखना है, आगे जो भी अपडेट्स होगी आपको डे टू डे मिलती रहेगी।